हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। कुछ स्पेशल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, क्या आप इस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट सॉल्व कर पाओगे। लेक्चर के लास्ट में मैं इसी क्वेश्चन पर पर्टिकुलर डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा इसमें क्या स्पेशल ट्रिक हो सकती है। इसको आपको LHS से लेके ही सॉल्व करना है और RHS ला देना है। ढेर सारी बुक्स में कहीं आपको सॉल्यूशंस मिलेगा तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों लेते हैं। ऐसे में कभी कभी आप एग्जामिनेशंस में जब स्ट्रेस होता है आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो किस तरह से प्रूफ करना है, आपको ट्रिक समझ नहीं आता। तो आप LHS भी लेते हो, RHS भी लेते हो, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप LHS से ही RHS प्रूफ करके ट्राई करो। अगर आपसे हो जाता है दैट्स नाइस, नहीं होता है तो लेक्चर के लास्ट में मैं इसको प्रॉपरली एक एक स्टेप को मैं आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी, ये आपको प्रूफ करना है, ट्राई करो। चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इसको आप देखो किस तरह से ट्राई करते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4 ए, ये प्रूफ करना है आपको। ये क्वेश्चन CBSE 2006 में पूछा गया है, ठीक है। बीच में ये क्वेश्चन और बार भी आता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बीच में ये होम बोर्ड हो गया था और क्वेश्चंस की जो ये वाला पार्ट कट हो गया, क्योंकि SA1 और SA2 का प्रोसेस था बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो होम बोर्ड था, इस वजह से हाफ पार्ट ही आता था, उसमें से ट्रिग्नोमेट्री कट हो जाता था। तो इस वजह से ये 2006 यानी 9 के बाद ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ, अब दोबारा से फिर आने लगेगा ये। तो आप ध्यान से देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजिएस्ट वे जो हो सकता है उस पर हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो सबसे ईजिएस्ट होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं इसका LHS ले लेता हूँ, ये प्रूव दैट क्वेश्चन था, ठीक है। LHS आपके पास LHS है, LHS इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और इट कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, क्लियर है, 1 अपॉन 10 दैट इज cot स्क्वायर ए, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। कोशिश ये करेंगे हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कोशिश यही रखो कि आप एक ही मेथड यूज करो, LHS से RHS ला दो। जहां पे आपको लगे डिफिकल्टी लेवल की अब ये नहीं हो सकता, LHS से RHS लाने में बहुत लेंदी हो रहा है, वहां पे आप भले ही RHS यूज कर लो और उन क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए और उनको आप कहीं पे भी स्पेशल नोट्स बना करके आप वहां पे लिख लो। इससे ये होगा कि आप एग्जामिनेशंस में कभी भी मेथड को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके पास मान लो अगर आपने 100 क्वेश्चंस लगाए हैं तो 100 में से LHS टू RHS प्रूफ किया है आपने 95 क्वेश्चंस को, 5 क्वेश्चंस आपके जो है LHS RHS या कोई भी स्पेशल ट्रिक लगाई है आपने, उन क्वेश्चंस को आपने सेपरेट कर लिया, फिर एग्जामिनेशंस में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करेंगे, ये आपको समझ आया। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए, समझ आए, sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज cosec स्क्वायर ए, समझ आ रही बात, cosec का मतलब क्या होता है और sec का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इसका मतलब 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, ठीक है, समझ आ रही बात। cos का मतलब क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, दैट इज द रिजल्ट, समझ आ रही बात। ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4 ए, दैट इज RHS, ठीक है। मैं जिस मेथड से आपको बता रहा हूँ ये सबसे इजीएस्ट मेथड होते हैं, अगर आप कहीं चेक करोगे, कहीं पे भी ऑनलाइन कहीं पे भी आप चेक करोगे तो मेथड काफ़ी डिफिकल्ट कर देते हैं वो लोग,
आई डोंट नो क्या रीज़न है क्यों करते हैं, फिलहाल इससे इजी मेथड आई थिंक सो नहीं हो सकता। आप लोग इसी तरीके से ट्राई करो, जो मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको आप जरूर ट्राई करो और आप चेक करो, वीडियो पॉज करके आप चेक करो क्या आप उसको विद इन अ मिनट सॉल्व कर पा रहे हो। अभी हम लोग उसके इस क्वेश्चन के बाद अभी एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट cot a plus 10b upon cot b plus 10a equals to cot a 10b। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे प्रूव करेंगे इस पे ध्यान से देखो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। LHS लेंगे, ठीक है। LHS जो आपके पास है वो क्या है, cot a प्लस 10b अपॉन कॉट b, ठीक है, कॉट b प्लस 10a, समझ आ रही बात। ये क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व होगा ध्यान से देखो, हमें लाना क्या है कॉट a 10b, क्लियर है, ठीक। एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि हमने कॉट a को 1 अपॉन 10a लिख लिया, ठीक है, समझ आई बात। एक मेथड ये हो गया, आप कॉपी पेन आपके पास है और जितने मेथड मैं बताता जाऊं आप इनको ट्राई करा करो, अगर उन मेथड से हो गया दैट्स नाइस, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और इसके बाद जो मेथड मैं बताता हूं अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में या लाइक करके किसी तरीके से भी मुझे वो मेरे तक मैसेज पहुंचाया करो, जिससे मुझे पता लगे कि आपको मेरा जो मेथड है वो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं, आप हर मेथड ट्राई किया करो और जो बेस्ट हो उससे आप ट्राई करो। जो मैं लास्ट में बताता हूँ फाइनली जो मैं सॉल्व करता हूँ वो इजीएस्ट मेथड होता है, अगर आपको भी इजीएस्ट लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताया करो कि मुझे ये वाला मेथड इजी लगा, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, एक मेथड और बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कॉट ए लिखा हुआ है, ध्यान समझना कॉट ए लिखा हुआ है, मुझे लाना क्या वहाँ 10b लाना है, मुझे लाना क्या 10b लाना है, तो इस पूरे को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10b से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10b से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10b और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 10b, यू गॉट द पॉइंट। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। और एक मेथड ये भी है, अगर आपका इससे मेथड आता रिजल्ट आता दैट्स नाइस, फिलहाल जो इजीएस्ट मेथड है, क्योंकि आप ये मल्टीप्लाई करना और इस चीज़ को करना कभी कभी दिमाग में ये मेथड नहीं आता है, तो आपको वो मेथड अप्लाई करना है जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर या आप स्ट्रेस कभी भी आपको स्ट्रेस ज़्यादा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को नींद में भी कर लें, ऐसे मेथड पर हमें फोकस करना होता है। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, इजीएस्ट वे साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास cos a अपॉन साइन ए, समझ आया, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन b अपॉन cos b, क्लियर है, b है तो b आएगा, अपॉन cos b अपॉन साइन b प्लस साइन a अपॉन साइन b साइन cos, ठीक है cos a, यहां तक समझ आया आपको, ठीक है, आपको प्रूव ये करना है, समझ आए। अब क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखना, इसी स्टेप को मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं। टेक एलसीएम, ये यहां पहुंचेगा ये यहां पहुंचेगा, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास cos a cos b प्लस sin a साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी cos a sin b, ठीक है cos a sin b, समझ आया। आपको जो मेथड इजी लगे, मैंने आपको दो तीन मेथड बताए इसीलिए, इसमें आपको जो इजी लगे ये
ईजिएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, साइन कॉस में ब्रेक करके आप कहीं कंफ्यूज नहीं होगे इसमें, बस सिंपल वे में इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अब ध्यान से देखना एक चीज, ये जो बना है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये 11th क्लास के लिए एक फार्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, राइट। ये ऊपर है और नीचे दोनों कट जाएंगे। फिलहाल अगर आप स्टैंडर्ड आपका जो है 10th लेवल का है तो कोई मैटर ही नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल वे में इसको ऐसे कट कर दो, फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ मेरा यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास, वन अपॉन दिस एंड दिस, तो ये कितना बचा मेरे पास, साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन बी साइन ए। यू गॉट द पॉइंट, ये बना। इसको आप क्या लिख सकते, टेन बी, क्लियर है। कॉस ए अपॉन साइन ए कितना, कॉट ए, ठीक है, यही आपका आर एच एस है, दैट वॉज टू बी प्रूव, ठीक है, समझ आया। अब हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आते ही मैंने आपको बोला था कि आप ट्राई करो, विद इन अ मिनट आपसे सॉल्व होता नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, आई होप सो आपसे शायद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है और अगर आपने सॉल्व कर भी लिया है तब भी आप इसको ध्यान से देखो कि मैं यहाँ पे क्या ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ। हो सकता है आपने इसमें साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लिया हो, ढेर सारे मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे इजीएस्ट वे जो हो सकता है, जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आपको याद आएगा, वो मेथड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इट विल टेक वेरी लिटिल टाइम और आप ट्राई करो किस तरह से सॉल्व होगा। ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे LHS ले लिया है, LHS ले लिया, LHS मेरे पास जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास टेन स्क्वायर ए, sec square a can be written as sec square b can be written as 1 plus 1 plus tan square b, right? समझ आ रही बात? देखो मैं कोशिश ये करता हूं क्वेश्चंस को करते समय कि अगर मेरे पास साइन है और टेन है तब मैं टेन को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करूंगा, साइन को मैं टेन नहीं बना सकता इस वजह से, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे एक टेन है और एक सेक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सेक को टेन बना लूँ, क्लियर है ना। तो मैंने सेक को टेन बना लिया, सिमिलरिटी होनी चाहिए पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब मेरे पास कितना है, ये टेन स्क्वायर बी है, सेक स्क्वायर बी कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, समझ आए। सिंपल वे में इसको मैं केवल और केवल मल्टीप्लाई कर लूंगा और ये आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर ए, समझ आ रही बात, टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी टेन स्क्वायर ए, समझ आया कुछ। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें ये पोर्शन, ये दिस पार्ट, ठीक है, एंड दिस पार्ट सेम है, जस्ट चेक इट आउट, टेन स्क्वायर है टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर है टेन स्क्वायर बी, दोनों सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप बोर्ड में मत कट करना इसको, बोर्ड की कॉपी में कट अलाउड नहीं होता। तो आप क्या करोगे सिंपल वे में, ये आपके पास आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, दैट वॉज टू बी प्रूव, दैट इज आर एच एस, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप चेक करना, आपने तो कर लिया, प्रॉपर इजिएस्ट वे था ये करने का। इसी क्वेश्चन को आप इंटरनेट पे चेक करना, ऑनलाइन चेक करना, कहीं पे भी चेक करना, आपको इसका सॉल्यूशन जो दिखेगा, दो पेज में करा हुआ कुछ जगहों पे, कहीं पे इसको हाफ पेज में किया हुआ है, क्या ये बेस्ट मेथड नहीं है? इससे हम बहुत इजीली इस आंसर को हमने निकाल लिया है, ठीक है, ओके।